अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वही कंटिन्यूएशन जो एक टॉपिक आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें नई नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। आज की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि राजस्थान सेक्टर पर कुछ मूवमेंट इंडियन ट्रूप्स की हुई है और उनके मुताबिक क्विक रिएक्शन टीम्स जो हैं QRTs वो डिप्लॉय की गई हैं और उनके अलावा रडार्स और एयर कमांडर्स जो हैं वो डिप्लॉय हुए हैं। एयर कमांडोज किस लिए डिप्लॉय हुए हैं इसका अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या वजह है, लेकिन बहरहाल एक एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र आ रही है और उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान की साइड से देख रहे हैं कि एक जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट्स का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है उसको भी उसमें भी हम कुछ लोगों की जो बयानात हैं वो देख रहे हैं कि वॉर हिस्टीरिया की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन का आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये मामला किस तरह जा रहे हैं। हमारे साथ एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं रहमतुल्लाह काकड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, और आजकल एक ऐसा कोई अखबारात की हद तक एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, तजिया निगार हैं और माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर के और कायदे यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया में भी जाएंगे और बात करेंगे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी और उनसे भी पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, उस पर उनका क्या रद्द अमल है। हम बात करते हैं काकड़ साहब से। काकड़ साहब, टू स्टार्ट विद, हम इसी बात करते हैं कि जो भारतीय जंगी हिजान हमें एक तरफ नज़र आना शुरू हो गया है अचानक और उसमें थोड़ा सा ऑफिशियल जो एक ओवरटोन्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पर प्रणब मुखर्जी साहब ने जो कहा है कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर सोनिया गांधी जी जो हैं उनके एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि बिफिटिंग एक आंसर जो है वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। इस सारी सिचुएशन को आप फेडरल मिनिस्टर के तौर पर किस तरह देख रहे हैं और आपका चूंकि ताल्लुक एक ऐसी जमात से भी है जो कि बलूचिस्तान और सरहद में भी उनका एक ताल्लुक है, उस हवाले से भी मैं आपका ज़रा इस थोड़ा सा रिएक्शन जानना चाहूँगा इस हवाले से। ये जो बयानात आजकल के हवाले से आ रहे हैं, इन बयानात की क्या हकीकत है? ये कोई इश्तियाल दिलाने वाली बात है? अगर कोई हमें मुश्तल करना चाहता है ते हैं काकड़ साहब से। काकड़ साहब, टू स्टार्ट विद, हम इसी बात करते हैं कि जो भारतीय जंगी हिजान हमें एक तरफ नजर आना शुरू हो गया है अचानक और उसमें थोड़ा सा ऑफिशियल जो एक ओवरटोन्स हैं वो भी नजर आ रही हैं, खासतौर पर प्रणब मुखर्जी साहब ने जो कहा है कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर सोनिया गांधी जी जो हैं उनके एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि बिफिटिंग एक आंसर जो है वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। इस सारी सिचुएशन को आप फेडरल मिनिस्टर के तौर पर किस तरह देख रहे हैं और आपका चूंकि ताल्लुक एक ऐसी जमात से भी है जो कि बलूचिस्तान और सरहद में भी उनका एक ताल्लुक है, उस हवाले से भी मैं आपका ज़रा इस थोड़ा सा रिएक्शन जानना चाहूँगा इस हवाले से। ये जो बयानात आजकल के हवाले से आ रहे हैं, इन बयानात की क्या हकीकत है? ये कोई इश्तियाल दिलाने वाली बात है? अगर कोई हमें मुश्तल करना चाहता है तो पाकिस्तान की हुकूमत तो एक इंटेलेक्चुअल्स की हुकूमत है, एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस की हुकूमत है। हमारी फौज दुनिया की एक बेहतरीन फौज है जो हमारी सिविल कमांड के तहत काम कर रही है। इश्तियाल में तो हम कभी नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान दुनिया का एक एटॉमिक पावर है। चीज़ें मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में हैं, मुल्की सरहदात की मुकम्मल तौर पे निगरानी हो रही है, हर सतह पे दिन रात एयर नेवल लैंड हर तरीके से वो कंट्रोल में है। हम उनको दुश्मन नहीं समझते, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं तो फिर देख लें कि उसकी कीमत फिर अदा कर सकता है। पूरा खिता जो है वो सफर करेगा। आप देख लीजिए, मैंने तो पहले आपको बता दिया कि जो वेपन्स इस वक्त दोनों तरफ से अगर खुदा नखास्ता वो फाल होते हैं तो फिर तो कोई नहीं बच सकता।
डॉक्टर साहब, ये पूरी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी हिजानी सी कैफियत उधर से नजर आनी शुरू हो गई है, और पहले से भी थी लेकिन अब जरा कुछ ज्यादा उसमें हम देख रहे हैं कि शायद प्रेशर टैक्टिक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टैक्टिक्स हैं प्रेशर प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वाकईतन वहां पर कुछ तैयारी भी इस तरह की हो, कहते हैं कि उसमें हमारे दोस्त जो हैं अमेरिकन, उनके आशीर्वाद भी उनको हासिल है। तो क्या इतलात हैं आप तक, कैसी इतलात पहुंच रही हैं? मेरे ख्याल में अगर आप आज ही अमेरिकन अखबारात भी देखें तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कंडलीजा राइस हैं, उनका भी एक बड़ा सख्त सा बयान पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है उन्होंने अभी तक वो काम नहीं किए जो जिनकी हमसे तवक्को थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम्बाइंड मूव है जिसमें इंडिया और अमेरिका दोनों मिल के पाकिस्तान पे मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये शायद वार की तरफ तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं वो बड़ी यानी फौजी लिहाज से ऐसी कुव्वतें हैं कि जो अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाती है तो फिर दोनों ही तबाह हो जाएंगे, और ये दोनों को एहसास है। लेकिन क्या मफाद क्या हो सकता है अमेरिका का कि पाकिस्तान पे प्रेशर? मैं समझता हूँ कि वो मैक्सिमम प्रेशर पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कॉर्नर इस मसले में हो जाए। और थोड़ी सी आपको दोबारा कट शॉर्ट करूंगा, हमारे साथ कुलदीप नैयर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी आदाब। कुलदीप जी मुझे बताइएगा कि आज हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया में और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी कोट किया है कि भारत में जंगी हिजान जो है वो खासा फैलाया जा रहा है, और राजस्थान सेक्टर में खासतौर पर वहां पे मूवमेंट हुई है इंडियन ट्रूप्स की भी, और एयर कमांडोज जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। फिर मैं भरत वर्मा साहब का भी बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वो मैं आपका आर्टिकल पिछला पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा था कि पीस इज द ओनली वे आउट, तो आप इसको सारी सिचुएशन को क्या देख रहे हैं? ये जो आप जिसके पढ़ रहे हैं ना, जैसे तो सर करे कई लोग हैं यहाँ भी वहां भी, कोई इसमें कोई सदाकत नहीं कि यहाँ पे कोई जंग की तैयारी हो रही है या लोग जंग चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो आदमी ने कर रहा है वो सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। मुखर्जी ने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, पहले भी उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने अपना तरजीह की थी कि मैं मतलब वार का नहीं है, ये भी उन्होंने जब कहा उसके बाद आया बयान कि मैं मतलब वार का नहीं है। ठीक है, और यार सोनिया गांधी साहबा ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हमें कमजोर समझे हम तैयार है, तो इसमें ये तो देखिए आपका गुस्सा बहुत है यहाँ और इलेक्शन भी आने वाला है, सब तो कोई ना पॉलिटिशियन तो ऐसी बातें कहते हैं लेकिन कोई वार की किसी धमकी नहीं दी। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑनवाइज जितने भी थे इंडिया के 120 ममालिक में से उनको बुलाया गया है और उनसे बुलाया इसलिए नहीं गया, पहले मैंने पता लिया वो ये जब फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ तो उस वक्त इनको सबको बुलाया गया था। ठीक, अब उतने देर में ये भी हो गया तो ये भी बात वहां पे होगी। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि गलत कहना है कि ये फौरी तौर पर सब को इकट्ठा कर लिया जाए, अभी नहीं, ये पहले से जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसको डिस्कस करने के लिए अब ये लोग ये भी करेंगे। और ये जो दोनों ममालिक ने अपने 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 एम्बेसडर्स को वापस बुलाया हुआ है, हमारे एम्बेसडर भी पाकिस्तान में आए हुए हैं और इंडियन एम्बेसडर भी वापस गए हुए हैं, हाई कमिश्नर के लिए बुलाया और कोई वैसे डिप्लोमेटिक कोई टाइम थोड़ी थोड़ी, तो आप बेसिकली आपने भी बुलाया करो ताकि कौन से हाल किए रहे जिससे कि भाई ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तौलत आते हैं ये कुछ बड़े आगे देते हो, कितने सालों से वही बात है। तो आप मुझे बताइएगा कुलदीप जी कि जो पीस लॉबी है इंडिया में वो इफेक्टिव है, वो इफेक्टिवली काउंटर कर सकती है इन आर्गुमेंट्स को जो कि वहां पे कुछ कर रही है और कुछ कर भी रही है और कुछ और भी करना चाहती है, लेकिन देखो ना कि भाई जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो जो बात अमन की करते हैं उन वो कम सुने जाते हैं, दूसरे ज्यादा सुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पीस लॉबी या जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वाले बहुत है। और अभी हमने पिछले दिनों में बयान भी इशू किया
फिर अब एक हम मीटिंग कर रहे हैं अमृतसर में, तो ये तो ऐसी बातें, कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ को पीस वाले लोग नहीं चले ना करे। कुलदीप जी, जो पीस लॉबी है वो प्रिवेल करे, बकौल आपके जो सर फिरे हैं उनके ऊपर। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। चले अल्लाह करे। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप नायर साहब, रिनाउंड इंडियन इंटेलेक्चुअल हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त पहुंचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप की, और इंडिया की तरफ से चंद लोगों का जो आप बयानात का सिलसिला देख रहे हैं उसको कुलदीप नायर साहब ने अप्रोप्रिएटली कहा है कि वो सर फिरों की एक कैंपेन है। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमने गवर्नमेंट की एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट महरीन अनवर राजा साहब को भी बुलाया हुआ था कि ताकि हम पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आज इन इशूज़ के ऊपर जान सकें, लेकिन शी कुंड मेक इट बिकॉज शी मिस द फ्लाइट एक्चुअली, तो वो नहीं आ सकी। अगर आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम उनसे बात कर लेंगे। काकर साहब, कुलदीप नायर साहब ने उनको कहा कि वो सर फिरों की एक ऐसी कैंपेन है कि जो वहाँ पे शुरू की हुई है, और वाकईतन वहाँ पे खासी तादाद है ऐसे लोगों की जो कि पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं, और उनका ज़ाहिर है कि कई मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जिम्मेदाराना पॉलिसी है इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि कोई इंसाइट नहीं कर रहा, कोई इश्तियाल नहीं दिला रहा, ना आ रहा है इश्तियाल में, तो क्या इन सर फिरों का इलाज जो है वो यही है कि हम अपनी डगर जो है उसके ऊपर चलते रहें? मेरा ख्याल है इसी डगर पर हमें चलना चाहिए। पिछले महीने कुलदीप नायर साहब से दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। एक डिनर पे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर ने वहाँ कुछ दोस्तों के एजाज में एहतमाम किया था जिसमें मैं भी शामिल था, तो ऐसे लोग जब हों और जो काम कर रहे हों, हम तो हैं ठंडे मिजाज के लोग, तामुल मिजाजी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का एक इम्तिजाज है ये, और जब तक हमें कोई दीवार से ना लगाए हम कभी मुश्तल नहीं होते, और जब दीवार से लगाया जाता है तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो ऑब्वियस होता है। लेकिन काकर साहब एक चीज़ मुझे बताएं कि जो केस इस वक्त इंडिया की तरफ से बिल्ड किया गया है अजमल कसाब साहब का, जिसका अभी तक हमें नहीं पता कि वो कहाँ का है, वाकईतन वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, और उसका नाम एक्चुअल क्या है और वो कौन है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया जा सका। अजमल कसाब के हवाले से वहाँ पे ये भी खबरें आ रही थी कि उनको कोर्ट में पेश किया जाए ना किया जाए, क्या इत्तलात है इस हवाले से, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है? यहाँ स्टूडियो में आने से पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स को स्टडी कर रहा था ऑनलाइन, तो उसमें अब अजमल कसाब कौन है, जिस तरह आपने फरमाया हमें क्या लेना देना है अजमल कसाब से, लेकिन उसके बारे में ये खुद कहते हैं कि जी हम उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे। अब अगर हम ये भी नहीं कहते कि क्यों आप पेश नहीं करते हो, अगर एक एक्यूज्ड है आप कैसे उसको डिटेंशन में रख रहे हो, और खुद हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये है कि अब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो लॉकअप में जाके वो जो क्राइम ब्रांच की है वहां से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। चीजें डाउटफुल है, इतना अरसा गुजर गया है, अब चीजों को इस दौर में छुपाई नहीं जा सकती। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई फिशी कोई चीज है जो इंडियंस जो है वो हमें बताना नहीं चाहते हैं? खुद इनकी ज़ाहिर है कि कोर्ट में अगर आएगा तो रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्ट होगा तो ज़ाहिर है कि बाकी चीजें जो है वो भी सामने आएंगी। अब हिंदुस्तान टाइम तो इनका अपना अखबार है, हमारा अखबार नहीं, उसके फ्रंट पेज पे है ये कि वो उसको ठीक है। डॉक्टर साहब, अजमल कसाब को कोर्ट के सामने क्यों नहीं पेश किया जाता अगर वो है और वही है जो कि वो कह रहे हैं? दरअसल मैं समझता हूँ कि ये जो सारी जो स्टोरी है इंडियन, ये बहुत इसमें होल्स हैं। बदकिस्मती से जब जैसे ही ये टेररिस्ट इवेंट मुंबई का हुआ है, मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान जिसमें नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज़ जो हैं वो उसी चार्ज को सब्सटेंशिएट करने के लिए पाकिस्तान को रिपीटेडली ब्लेम करने लगी। उसकी वजह से ट्रूथ क्या है या हकीकत क्या है वो एक्चुअली किसी को भी अभी तक पता नहीं, और कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक पेश नहीं की गई सिवाय इसके कि एक मीडिया कैंपेन है और एक सीरियस लेवल का
ज्वाइंट जो भी प्रोग्राम इंडिया मुखर्जी साहब भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमने इनफ प्रूफ जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है। आज पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई सच इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो ये डाइकोटमी क्यों है, क्यों नहीं कम्युनिकेट किया जाता एक दूसरे के साथ और बताया जाता है कि हियर इज द प्रूफ। मेरे ख्याल में वो सारा जो इंडियन स्टोरी है वो जितनी बज़ाहिर सादा नजर आती है इतनी सादा है नहीं, उसके अंदर बेशुमार इफ्स एंड बट्स हैं। ये बहुत अनहोनी सी बात लगती है कि चंद टेररिस्ट जो हैं वो कराची से चलें या नेवल उससे चलें और वो जाके अचानक इतना बड़ा बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के और बगैर किसी लोकल हेल्प के और बगैर वहाँ सप्लाईज के वो इतना बड़ा काम कर गुजरे। मैं समझता हूँ ये बड़ी डाउटफुल सी स्टोरी है। ठीक है, और मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, और हमारे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा आसिफ अहमद अली साहब मौजूद हैं। लाइन फिर ड्रॉप हुई है, हम दोबारा देखेंगे कि आसिफ अहमद अली साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। रब्ता हमारा हो रहा है, दोबारा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार आसिफ अहमद अली साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा। सरदार साहब, हम बात कर रहे हैं पाक भारत सिचुएशन जिस वक्त आप देख रहे हैं, आपका ताल्लुक चूंकि वज़ारत ख़ारजा से रहा है और आप उसको हेड करते रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि प्रणब मुखर्जी साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो टेबल पर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि जब वो ये बात करते हैं तो उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ दीगर जो ऑप्शन हैं वो भी हो सकती हैं, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए जी, बात यह है कि मैं अब हुकूमत में शामिल हूं तो बेहतर तो होता कि आप मोहतरम वज़ीर ख़ारजा साहब से पूछते, क्योंकि उनका मैंडेट है, तो मैं सिर्फ राय दे सकता हूं, वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं होगी जो मैं अर्ज करूंगा। ठीक ठीक, मेरी राय तो जरूर होगी। ठीक, तो हुकूमत की पॉलिसी के सिलसिले में आप वज़ीर ख़ारजा की तरफ मुतवज्जो होते तो बेहतर था। बिल्कुल ठीक, और क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं अपनी राय जरूर कर देता हूं, और मेरी राय ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो इस वक्त हाथ से प्रेशर में है, और वो प्रेशर, हेलो जी जी प्लीज जी, वो प्रेशर उन्हें एक अंदरूनी सियासी प्रेशर है, और उस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए वो इस किस्म की सर्द और गर्म यानी बातें कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड वो ब्लो कर रहे हैं, तो वो जो दिलचाय करें पाकिस्तान को वो प्रेशराइज जरूर कर रहे हैं, मगर बिल आखिर जो एस्केलेशन की जो सीढ़ी है, लेडर ऑफ एस्केलेशन है, मंतकी तौर पे वो कितना उसके ऊपर चढ़ सकते हैं? अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्ट्राइक करेंगे तो वो स्ट्राइक का जवाब मिलेगा उन्हें, क्योंकि वो हमारी मजबूरी होगी। हम इस मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं और डिफ्यूज करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान इसे और गर्म करना चाहेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा, तो मिलाकर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसको टेम्परेचर उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये पॉस्चरिंग ज्यादा है, हकीकत इसमें कम है, और अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी हरकत की तो वो जानते हैं कि उसे वो जवाब मिलेगा पाकिस्तान। लेकिन सरदार साहब, क्या ये हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि ये पोस्टरिंग है और हमें इसको सिर्फ पोस्टर की तौर पर ही लेते रहना चाहिए, लेकिन क्या खुदा न खासा ये भी मुमकिन है कि अगर वो इस तरह का कोई एक्शन ले लें और हम यही समझते रहें कि ये पोस्टरिंग थी और हम अपने ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम पूरी तरह अलर्ट हैं और हमने बिल्कुल वजह कर दिया है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसका जवाब आपको आपको उसका जवाब मिलेगा, और आप ऐसा ना करें, इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करें, पाकिस्तान भी डिफ्यूज कर रहा है, आप भी डिफ्यूज करने की कोशिश करें। अब जहां तक उन्होंने अकवामे मुत्तहिदा ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जमातुल दावत दावा के बारे में जो कहा, हमने सबको अरेस्ट कर लिया, उनके आउटफिट को बंद कर दिया है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करे, अगर वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते तो 90 दिन के बाद हमें उन सब कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन्हें एमपीओ 16 के तहत हिरासत में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह हिंदुस्तान जब हमें कोई एविडेंस प्रोवाइड करता है
तो हम जरूर उसके एक्शन लेंगे। सरदार साहब, इसका क्या मैकेनिज्म क्या होता है? वो कह रहे हैं कि हमने एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है, हमारी तरफ से आज बयान आया है वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से कि कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है, तो क्या मैकेनिज्म क्या होता है नॉर्मली इस तरह का? यही है जी, तो वो अपने सफीर के जरिए हमें एविडेंस प्रोवाइड करें जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। बयानबाजी बहुत करते हैं, टेलीविजन मीडिया के जरिए हमें वो ऐसी बातें करते रहते हैं, मगर जो मैंने पूछा है जहां तक मुझे इल्म है, ना रहमान मलिक साहब हमारे इंटीरियर के एडवाइजर, ना फॉर्मिस्ट साहब, उन्होंने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि उनके पास कोई ऐसा एविडेंस आया। अगर कोई एविडेंस आ जाएगा तो हम यकीनन इसके एक्शन लेंगे, हम मुंतजर हैं उस एविडेंस के। मगर ये कोई कहे कि जनाब हम हिंदुस्तान के किसी को हवाले कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ना ही हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जिसके तहत हमें ऑब्लिगेटेड है, हम ऑब्लिगेटेड नहीं है क्योंकि हमारी ट्रीटी ऐसी हिंदुस्तान के साथ नहीं है एक्सट्रेडिशन की। ठीक है सरदार साहब, एक चीज मुझे बताइएगा आखिर में कि पूरी गिवन द सिनेरियो जो भी अभी आप देख रहे हैं, इसमें एक जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि कैन बोथ कंट्रीज अफोर्ड वॉर राइट नाउ? ये देखें, हम तो कतन नहीं चाहते, और ये हिंदुस्तान वो अंडर प्रेशर आ गया है डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन की वजह से, उनकी अपनी सिक्योरिटी अपरेटस है, उसमें बेपना लूप होल्स निकले हैं, उसमें बेपना लीकेजेस है। अब वो अपनी कमजोरियां जो भी हैं, अपनी कोताहियां हैं, उसका अगर वो पाकिस्तान को उसका उसका स्केप गोट बनाना चाहते हैं तो वो उनकी जवाब दे दिए, हम स्केप गोट बनने को तैयार नहीं है और ना ही उन्हें इस किस्म की सोच रखनी चाहिए। वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक, मगर हम उनकी इस किस्म की जो पॉलिसी है इसके बोर्ड बनाने की, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। चले, उनके हर जायज बात को हम मानने को तैयार हैं, मगर अगर वो चाहें कि पाकिस्तान को कॉर्नर करके और कोई बहुत बड़ी कोई कंसेशन पाकिस्तान से वो कोई वसूल करना चाहते हैं तो वो उस किस्म की कंसेशन हम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, चले सरदार साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। सरदार एसएफ अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खारजा, और वो बता रहे थे कि स्केप गोटिंग जो है वो नहीं चलेगी। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्तान पहुंचा है, मजीद ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स के हवाले से, और सरदार आसिफ अहमद अली साहब कह रहे थे कि स्केप गोट बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और काकर साहब, इस हवाले से जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, एक तो वहाँ पे शिद्दत से कुछ लोग जो हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग की जाए और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि भरत वर्मा साहब एक ऐसे शख्स हैं कि जो चाहते हैं कि अगर कल जंग होनी है तो आज शुरू हो जाए। लेकिन ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मीडिया है वो भी कंटेन कर रहा है सिचुएशन को, उसको उसके ऊपर आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन को मीडिया के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि हमारी मीडिया जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही है जो एक इंडियन जो है अपने मुल्क की खातिर प्ले कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं उनको खुल के पाकिस्तान के हक में इंटरनेशनल उसको ओपिनियन जो है उसको अमर करनी चाहिए, एक कंपेन एक टारगेट के तौर पर इसको लेना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। आप समझते हैं उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मैं इंडियन मीडिया की तरफ से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैं अगर एक गुजारिश की इजाजत आपने, ये बाज लोग जो वहां बैठ के इस तरह के बयान देते हैं, अब शिवसेना के बाल ठाकरे साहब को लीजिए, वो तो कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में पाकिस्तान से कोई क्रिकेट के खिलाड़ी आए तो भी हम सबको जमा करके भेजेंगे। तो ये इस तरह के लोगों की बातों की क्या अहमियत है? ठीक है, एक नेपलीज जनरल है हिमाल, उसने लिखा है कि देयर इज एन अटेम्प्ट ऑन टू जनरेट मैस हिस्टीरिया इन इंडिया एज टेलीविजन चैनल्स कम्पीट फॉर रेटिंग्स। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए भी है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। द चैनल्स आर यूजिंग द बॉम्बे अटैक्स ऑफ लास्ट वीक इन अ डेंजरस गेम ऑफ टीआरपी अपमैनशिप। ये पिछला शुमार है उनका, टीआरपी का वो कह रहे हैं कि टीवी इज टारगेटेड रेटिंग पॉइंट।
which can well derail the political process and set back the India-Pakistan peace train, going far beyond which what is required of them even in times of crisis. Some media houses are leading campaigns to get citizens to take pledges of patriotism. They are pushing a brittle, monochromatic vision of resilient country we know as India. अच्छा फिर लेकिन साथ साथ कुछ और लोग भी हैं मसलन शेखर गुप्ता हैं इंडियन एक्सप्रेस के वो लिखते हैं कि this hostility must end and senior media people on both sides, particularly editors, need to intervene before this great professional bond starts to fray. Journalists are of course loyal to their countries but are never to be held accountable for their government's policies. They can neither be framing state policies nor be their spokesmen, and certainly not be waging wars. It is time media institutions and senior editors from both sides intervened and ensured it does not get out of control. कैसे देख रहे हैं पूरा इंडियन मीडिया की इस कैंपेन को? मैं उस वक्त जिस वक्त ये वाकयात हुए मैं उस वक्त नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था तो वहाँ चूंकि इंडियन मीडिया मौजूद है वो डोमिनेंट है और मौजूद है तो काफ़ी क्लोजली फॉलो करने का मौका मिला. मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हिस्टेरिक एटीट्यूड था इंडियन मीडिया का. लेकिन इंडियन मीडिया से ज़्यादा मुझे कंसर्न ये है और मैं यहाँ कुलदीप नैयर साहब की बात से डिसएग्री करूँगा कि ये चंद सरफिरे लोग जो हैं ये कर रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वार नहीं चाहती. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं ख़ासतौर पर प्रणब मुखर्जी जैसे लोग जो हैं अगर वो इस किस्म का बयान देते हैं तो ये यकीनन तशवीश की बात है. इसलिए कि जब डिटेरेंस रिलेशनशिप जो है वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ पर कायम है कि दोनों एडवर्सरीज जो हैं उनमें एक्यूरेसी ऑफ परसेप्शंस हों, दोनों एक दूसरे को करेक्टली परसीव कर रहे हों. ख़तरा ये होता है कि जो जैसे सरदार आसिफ अली साहब ने कहा कि पॉस्चरिंग है, पॉस्चरिंग में ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि पॉस्चरिंग कहां तक है और रियल कहां से शुरू हो जाए. दैट ब्रीड्स कंफ्यूजन. और मैं समझता हूं कि उस कंफ्यूजन की वजह से खतरा यह है कि कहीं डिटेरेंस रिलेशनशिप फेल ना हो जाए. और यह सबसे ज्यादा इसका संगीन पहलू है कि जहां जो जिस डिटेरेंस रिलेशनशिप जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कायम है उसके अंदर अगर रिस्पॉन्सिबल लोग इस किस्म के बयान इशू करते हैं तो उनको दूसरी साइड पर किस तरीके से रीड किया जाता है. तो ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए काज ऑफ कंसर्न. यानी ये पोस्ट ये पता नहीं चलता खासतौर पे जो आप बात कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड अगर इसमें देखा जाए कि न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और दोनों में छोटा सा भी कंफ्यूजन जो है वो बहुत बड़ी तबाही खुदा ना खास्ता फैला सकता है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. अगर आप अमेरिकन सोवियत रिलेशनशिप देखें उसके अंदर प्रेजिडेंट रोनल्ड रेगन जब पहली दफा इलेक्ट हुए हैं तो इन्होंने गलती से रेडियो पे जब ये अपना मंथली एड्रेस एक दिया करते थे और पहला एड्रेस देने लगे तो इन्होंने बिल्कुल मजाक में ये कहा, इनका ख्याल ये था कि माइक्स ऑन नहीं है कोई सुन नहीं रहा तो इन्होंने मजाक से ये कहा कि माय डियर कंट्रीमैन आई हैव ऑर्डर्ड द बॉम्बिंग ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द बॉम्बिंग विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स. माय गॉड. और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो शदीद परेशान हो गए कि भाई रूस के साथ हमारे ताल्लुकात का क्या बनेगा. सबसे पहला काम उनके एडवाइजर्स ने किया कि प्रेसिडेंट को बताया कि जनाब माइक्स खुले हुए हैं, दूसरी साइड जो है वो क्या रीड करेगी. सेकंड चीज उन्होंने ये की कि हार्टलाइन पे रशियन लीडरशिप से रब्ता किया और उन्हें कहा कि ये बिल्कुल एक मजाक था और इसको आप सीरियसली ना लें, प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं था, वो ये समझे कि माइक ऑन नहीं है तो वो मजाक में एक बात. ठीक है, तो बेसिकली आप जो कह रहे हैं वो ये है कि दोनों साइड से इस तरह की चीज़ जो है उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे ही खाम खाम एक पोलिटिकल आप जैसे कहते हैं कि जिंगोइज्म में आके आप थोड़ा सा पोलिटिकल रेट्रिक्स में आके आपको इस तरह का बयान दे दें. ये बड़ा खतरनाक है. यानी ये पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको इंडेंजर कर देगी ये चीज. और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को वजीर आजम की सतह पे या प्रेसिडेंट की सतह के ऊपर ये मसला जो है उठाना चाहिए कि इस कदर न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत खतरनाक है. काकर साहब, वज़ीर आज़म की सतह पर ये मामला उठना चाहिए और ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और उसमें खुदा ना खास्ता इस तरह का जो बयान है उसको हम अगर खुदा ना खास्ता उसी तरह रीड कर लेंगे जिस तरह का बयान हो तो फिर तो मसाइल बड़े ख़राब हो सकते हैं. हमारे हाईएफ्स जो हैं वो बिल्कुल न सिर्फ ये कि अलर्ट हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इन कॉन्टेक्ट हैं और पूरी दुनिया की जो टॉप की लीडरशिप है उनके साथ कॉन्टेक्ट में, इंक्लूडिंग द इंडियंस.
तो ऐसी कोई बात। वैसे काफी साहब एक चीज़ मैं देख रहा था कि जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं और इंडिया की तरफ से बार बार इस तरह के बयान का आना और खासतौर पर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की तरफ से इस तरह के बयान का आना, क्या हमें अब अगरचे ये आपके डोमेन में नहीं आता लेकिन पाकिस्तान को OIC की मीटिंग कॉल नहीं करनी चाहिए, इवन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जाना चाहिए कि जी ये देखें ये क्या क्या हो रहा है, हमें सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आई, हमने फौरन एक्शन लिया, लोगों को गिरफ्तार किया, उनको डिटेन करके उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म का क्रैकडाउन हुआ और अब इंडिया की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं? अगर तो ये मजीद इन इस तरह के बयान से बाज नहीं आते फिर तो यकीनन हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स और OIC के फोरम्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं या जनाब ने फरमाया है कि जिन लोगों पे इनका शक तक था उनको हुकूमत ने डिटेन कर दिया है और सरदार साहब ने कह दिया कि फॉर अनलिमिटेड पीरियड उनको हम डिटेन तो नहीं रख सकते, बात कीजिए क्या मसला है। ये एक मैं समझता हूँ असाबी जंग है और इसमें असाब हमारे कौम के मजबूत हैं और ये जो है वो अंडर एस्टिमेट ना करें चीज़ों को, वो जानते हैं वो। बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त ज़रूरत है एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की। इस तरह उन्होंने 120 मोबाइल से अपने ऑनवेज को अगर बुलाया है हाँ जी, तो हमें भी अपने ऑनवेज को कहीं भेजना चाहिए या इधर से डेलीगेशन जाए? यकीनी तौर पर एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और इसमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र जो है उसको बहुत इफेक्टिवली फोरम्स पे पेश करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक लॉन्ग टर्म बात भी करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक विजन की भी ज़रूरत है कि हम इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस जो है वो कितना कामयाब हो सकता है, क्योंकि हकीकत ये है कि हम मुस्तकिल उनकी टर्फ पे खेल रहे हैं और कहीं ये तस्करा नहीं है कि जो स्ट्रक्चरल कॉजेज़ हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, कि कश्मीर के मसले पर कभी बात ही नहीं होती इफेक्टिव मीनिंगफुल बात, सियाचिन सरकरी चनाब का इशू, ये सारे के सारे इश्यूज कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के इस क्राइसिस के बाद तो ये खासा बड़ा नुकसान हुआ होगा हमारा कि सरकरी का मसला भी जाहिर है बैक बर्नर पे चला गया और चनाब के जो पानी का मसला था वो खासी हद तक हमने उठाया हुआ था वो भी बैक बर्नर पे चला जाएगा। नहीं, ये सारे इश्यूज, और ये आप फ्यूचर का देखें, फ्यूचर में क्या होगा अगर कहीं भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है और उनको इंडियन गवर्नमेंट एक्सक्यूज बना के या बहाना बना के फौरन पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करेगी, नतीजा ये है कि हमारा सारा जो सो कॉल्ड पीस प्रोसेस है वो बिल्कुल यानी बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक, और इसमें मुझे एक चीज़ साथ साथ ये भी बता दे जाए कि मैं जो मैंने पूछा था कि कैन वी अफोर्ड वॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज, मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है क्या इंडिया ये सिर्फ पोस्टिंग कर रहा है या इससे आगे बढ़ के वो रियल वॉर तक भी जाने के लिए तैयार होगा? मेरे ख्याल में इसमें मेरी राय, मैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब की राय से मुत्तफिक हूं कि ये पोस्टिंग है इस वक्त तक, और उसको रीड भी पोस्टिंग के तौर भी करना चाहिए इन तमाम स्टेटमेंट्स को। लेकिन ये है कि जाहिर है आप अलर्ट रहना चाहिए, जैसे काकड़ साहब ने कहा, और अलर्ट हैं हम और अलर्ट रहना चाहिए इस सारे मामले में। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एटीट्यूड इंडिया की तरफ या अपोलोजेटिक एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हुई है, अपीज़ नहीं करना चाहिए, मिसहैंडलिंग हुई है। मसलन अगर आप बार बार हमारे हाईएस्ट लेवल पे ये क्यों कहा गया कि ये जो एयर स्पेस की वायलेशन है ये एक टेक्निकल वायलेशन है, ये तो इंडियंस के कहने की बात है कि टेक्निकल, वो तो कहते हैं हमने कोई वायलेशन की नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी एक मिसहैंडलिंग हुई है कि जिसमें हम डिफेंसिव हैं टुवर्ड इंडिया जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट तो पहले उनकी तरफ से आई, उनकी हाई कमान ने हमसे बात की कि ये एक मिस्टेक हुई है हमसे, टेक्निकल मिस्टेक है जिसकी वजह से ये एयर स्पेस पे उसकी वायलेशन हुई है, लेकिन फिर भी उसको हमने इग्नोर नहीं किया, फिर भी उसको एग्जामिन किया है और एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन अगर जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं तो जो इकोनॉमी के हालात हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान में देखता हूँ, मुझे तो फुटपाथ पे कोई बंदा सोता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इंडिया में आप देख लीजिए कि उनके तो कैपिटल में, इवन दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े दूसरे शहरों में फुटपाथ पे नंबर लगे हुए हैं और एक बंदा वहीं उसकी पैदाइश होती है और डेथ तक वो उसी फुटपाथ पे रात को सोता है नंगे पाँव। आज भी वहाँ हमें उनसे हमदर्दी है, लोग फिरते हैं, तो बजाय वार पे जाने के क्यों हम दोनों ममालिक अपने आवाम की इस गुर्बत और अफलास के ख़त्मे के लिए कोशिश ना करें, क्यों एजुकेशन के लिए कोशिश ना करें।
और जो डिस्प्यूटेड हमारे मामलात हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं और जिन पे हमें ये कमिटमेंट दे चुके हैं उनको ऑनर करें। लेकिन वो ऑनर तो करें काकर साहब, उसमें मसला ये है कि उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते, वो पाकिस्तान को एज ए रियलिटी ही नहीं लेते, और वो ये तस्लीम करने से बिल्कुल इनकारी हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक फुल फ्लेज कंट्री है और इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अभी तक इसको दिल में नहीं तस्लीम कर सके। देखिए अब दिल की बात और है, यूएन फोरम पे ये इन्होंने हमें तस्लीम किया है, इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हमारे साथ, बिजनेस रिलेशंस हैं हमारे, इनके डेलीगेशंस का आना जाना है, ये क्या बात करते हैं। पाकिस्तान एक दुनिया के नक्शे पे जो उभरा है या इस वक्त इसकी जो एक पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, बल्कि फ्यूचर आपके एशिया का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है। ठीक, मैं डॉक्टर साहब से ज़रा पूछूंगा, डॉक्टर साहब से बात करने से पहले मेरा ख्याल है मुझे बताया गया है कि हमारे साथ आब्दा हुसैन साहब मौजूद हैं, साबिक पाकिस्तानी एम्बेसडर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। बेगम साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से और खासतौर पे जो बयानात आ रहे हैं उनकी लीडरशिप में, जिसमें प्रणब मुखर्जी भी शामिल हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन रखते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम ऑप्शंस जो हैं वो तमाम ओपन रखे हुए हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि एक अमरीका का जो रोल है वो मुझे ज़रा आप बताइएगा कि कैसे उसको रीड कर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन के कहने की वजह से वो शायद कोई इस तरह का एक्शन ना लें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकन के ही बिहेस के ऊपर वो अगर इस तरह का एक्शन लेंगे, क्योंकि जो हमने ये कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर से हम अपने ट्रूप्स वापस ले आएंगे, तो अमेरिकन को ये नजर आया कि वॉर ऑन टेरर जो है वो सारे का सारा रोल बैक करना पड़ेगा, तो वो इस वजह से हो सकता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप इसको कैसे देख रही हैं जी? देखिए जी, इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप की तफसीलात जो है उन पे मैं कमेंट करना मुनासिब नहीं समझती क्योंकि मुझे इतना इल्म ना है, ये सारी एजुकेटेड गेसेस की बात है। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि हमें जितना भी इस वक्त वो प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे इंडियन साइड, हमें हमें अपनी लैंग्वेज को रिस्ट्रेन रखना चाहिए, इसलिए कि डिप्लोमेटिकली हम ज्यादा स्कोर करेंगे बैनुल अक्वामी सतह पे अगर हमने अपनी लैंग्वेज को रिस्ट्रेन रखा। मैं इस बिल्कुल स्कूल ऑफ थॉट से इतफाक नहीं करती कि हॉकिश अंदाज से लोग ज्यादा मुतासर होते हैं। आज की दुनिया में जो माइल्ड मैनर है वो ज्यादा परसुएसिव होता है, और मैं अग्री नहीं करती हूँ कि अगर हम माइल्ड बात करेंगे तो वो कोई वीकनेस शो होगी, नहीं। आज की दुनिया में मैं समझती हूँ कि माइल्ड मैनर जो है वो नेसेसरीली वीकनेस के साथ इक्वेट नहीं होता, और हॉकिशनेस जो है वो लोगों को राय आमा को एलियनेट करती है। मैं ये समझती हूँ दयानतदारी से कि हमें फोकस अपना डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स को हम ये क्यों आर्ग्यू करें कि उन्होंने हिंदुस्तान को कहा या हिंदुस्तान को रोका। हमारा जो मामला है उसमें हमें अस्यूम करना चाहिए कि चूंकि हम न्यूक्लियराइज्ड स्टेट हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान को इनकरेज नहीं करेगी कि वो अपने मिलिटेंट पोस्चर को हार्डन करें, बल्कि वो उनको इनकरेज करेगी कि वो भी जरा ठंडे हों। तो मैं समझती हूँ कि ये जो वॉर ऑन टेरर है इसमें हमें क्लियर होना है कि हम वॉर ऑन टेरर के खिलाफ हैं या हम उसके बानी हैं। अगर हम उसके खिलाफ हैं तो फिर हमें खामखा के अंदेशों का इजहार नहीं करना चाहिए। हम वॉर ऑन टेरर हमारी वॉर है और हमने इसको डट के लड़ना है और अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से एनालिसिस में ये डायकोटमी आ जाती है कि हम वॉर ऑन टेरर को पूरी तरह डिसओन नहीं कर रहे और उसकी वजह से हम डिप्लोमेटिकली भी लूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेगम साहब, आखिर में मुझे एक चीज़ जरा बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें इंडियन मीडिया भी उसमें भी खासी एक जिंगोइज्म की कैफियत नज़र आ रही है, आप इसको सारी सिचुएशन को किस तरह देख रही हैं कि वहाँ पे
कुछ लोग जो हैं वो वॉर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को, क्या ये सिर्फ पोस्टरिंग ही है या इससे आगे भी वो जा सकते हैं? मेरा ख्याल है ये पोस्टरिंग है, और वहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं ना, लोकल इलेक्शंस, और उनके फिर पार्लियामानी इलेक्शन 2-3 माह बाद हैं, तो इसमें पोस्टरिंग होगी, इसमें पॉलिटिक्स होगा, इसमें एज यू से वॉर मॉन्गरिंग होगी, इसमें रेट्रिक को बहुत तेज और तुरंत करेंगे। और अगर हमारा रिएक्शन जो है, हमारा रद्द अमल ठंडा रहा, तो मैं समझती हूँ कि वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करेगा और इंडिया जो है वो अपने आप को एक्सपोज करेगा। चलें बेगम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बेगम आबिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी कि ये जो मामला है पोस्टरिंग का, वो सिर्फ पोस्टरिंग की हद तक ही है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि एक अमेरिकन जरीदे ने भी और एक इसराइली रिपोर्ट ने भी ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो महदूद पैमाने पर भारतीय कार्रवाई की सपोर्ट कर सकता है, और बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि रजामंद हो चुका वह है। और इसमें जो सामने शवाहिद कुछ आए हैं वो ये हैं कि भारत में इजरायली कमांडोज ऑलरेडी मौजूद हैं और वहाँ पे उनका खासा एक एक्शन और एक लिंकेजेस उनके साथ मौजूद हैं। आपके पास इस तरह की कुछ शवाहिद इतलात हैं इस तरह? जी, मेरे ख्याल में ये अनरियलिस्टिक है और ये ऐसा होना होने का इम्कान बहुत कम है। उसकी बुनियादी वजह ये है, इंडो इजरायली नेक्सस नहीं हो सकता या नहीं? इंडो इसराइली नेक्सस तो है, इंडो इसराइली नेक्सस तो है, लेकिन ये कहना कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने भी इजाज़त दे दी है या वो सोच रहे हैं कि महदूद पैमाने पे अगर इंडिया कार्रवाई करे, मैं समझता हूँ ये बहुत अनलाइकली है। इसलिए कि जो जिस कदर टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसमें कोई ज़रा सी भी गलतफहमी जो है वो ऑल आउट वार की तरफ ले जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन लोगों को ना सिर्फ एहतियात करनी चाहिए बयान देते हुए, बल्कि जो यानी सीरियस एलिमेंट है अमेरिका में और इंडिया में, वो किसी कीमत के ऊपर ये नहीं चाहेगा कि ये जो टेंशन्स जो हैं उनको इस कदर बढ़ा दिया जाए कि जिसमें ज़रा सी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग या ज़रा सी वायलेशन स्पेस की या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ऑल आउट वार की तरफ। ये बात हमें पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझानी चाहिए और मीडिया को भी समझानी चाहिए कि किसी सूरत में इंडिया पाकिस्तान मौजूदा न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में वार अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं वो हिंदुस्तान टाइम्स का काकर साहब ने जिक्र किया था, तो हिंदुस्तान टाइम्स ही में मैं देख रहा था कि वहाँ पर उन्होंने कुछ कॉलम्स में लिखा था शुड इंडिया गो टू वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसमें मुख्तलिफ लोग अपने अपने कॉमेंट्स दे रहे थे। तो एक कॉमेंट लिखा हुआ था कि पहले तो ये देखें कि आप में से कितने लोग जो कह रहे हैं कि वॉर करें पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें से कितने लोग जो हैं वो भर्ती होने के लिए तैयार हैं फौज में, और कितने लोग हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक्चुअली लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने चाहिए, और वॉर जो है इट्स नॉट अ जोक। आखिर में काकर साहब, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और वो ये कि आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, यू आर इन द थिक ऑफ अ स्टॉर्म राइट नाउ, क्या हो क्या रहा है, मसला क्या है, क्या 60 अरब रुपया आपने किसी को दे डाला, ये हुआ क्या है, जरा बताएं तो सही। पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। मेरी मिनिस्ट्री ने इस पे दिन रात काम किया। ठीक, आज मैं PTV के थ्रू ये नवीद कह लें या खुशखबरी इस कौम को ये सुनाना चाहता हूँ कि जिन सॉलिड फॉरेन कंपनियों से हमने वादे किए हैं या MOU साइन किए हैं, वो ये है कि वो 7 खरब पाकिस्तानी रुपए तक हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, जिसमें एक ये जो है जो 60 अरब रुपए का वो है, ये UK बेस्ड एक कंपनी है। ठीक, गो के पाकिस्तानी है और उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है कि इस प्रोजेक्ट से अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो भी हम अपनी हुकूमत की सवाबदीत पे छोड़ जाएंगे कि वो किसी भलाई के कामों में इसको लगाएं। उनकी ऑफर ये है, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा कमाया, अब हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। चूंकि एग्रीमेंट एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उस फर्म के बीच में हो रही है, अब दरमियान के लोग जो हैं जिनको कुछ हाथ नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि जी ओहो ये तो उनको दे दिया। बशमूल योर सेक्रेटरी, देख लीजिए आपके सामने सेक्रेटरी साहब को भी प्रेस में जाना पड़ा, बींग ए पब्लिक सर्वेंट। और ये लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो तो उनका वर्जन जो है उसको मान रही है और उसको वो कह रहे हैं कि ये बात ठीक कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक तो मैंडेट में ये नहीं आता,
अभी तक ये मसला पाइपलाइन में है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास ये वेटिंग के लिए गई है, फिर ये कैबिनेट के पास जाएगी, फिर ECC में जाएगी, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, जमीन वो दे रही है, पैसा वो लगा रहे हैं, हमारे पास है क्या? तो ये दे रहे हैं। क्या है? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया करें उनको भी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा, जो भी चलता है यहाँ जितना भी दामन बचाया जाए, ब्यूरोक्रेट अपना काम चला ही लेगा इसमें। और फिर ये जो किरदार कुशी का एक वो सिलसिला चल पड़ा है, मैं बस ज्यादा भरोस कर रहा हूँ कि जो लोग इसको, जो जर्नलिस्ट इसको चला रहे हैं, कहीं अगर उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी अपनी फैमिली के लोग जो अब कालिया ग्रुप के साथ पकड़े गए, कोई कुद्दूस नाम का बंदा, क्या उसके बारे में भी उनको इतनी जरूरत है कि उनके बारे में कुछ लिखे? मैंने सुना है कि कुद्दूस अब छूट चुका है कुछ, लेकिन बिल्कुल उस जर्नलिस्ट के घर का बंदा है, क्या वो जर्नलिस्ट अपने बाकी एसेट्स भी इसी तरह शो कर रहा है जिस तरह ये दूसरों पे हुकूमतों पे हाथ उठा रहा है? क्या मुल्क में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये इस तरह का इनकी फिजा पैदा करेंगे तो कल कोई आएगा, कल कोई इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी है, इस हुकूमत के साथ दुश्मनी है और इस पूरे सिस्टम के साथ दुश्मनी है। और यही लॉबी आप देख रहे हैं कि वो बतौर खास जो हमारी जमात की किरदार कुशी का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था आखिर तक अंजाम, अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो हल हो सके और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जा रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, कोर्ट में जा रहे हैं हम जा रहे हैं, चलें इसमें भी हम देखेंगे और सारी सिचुएशन जो है वो ऑब्जर्व करते रहेंगे। काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए और तफसील से आपने गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब आपने भी माशाल्लाह जिस तरह इंटेलेक्चुअली उसको सारा को कवर किया सिचुएशन को। नाज़रीन ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अफजल हुसैन साहब ने कहा कि हमें माइल्ड रहना है और हमें हॉकिश जो है वो पोस्चर नहीं इख्तियार करना है, ये बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन मैं अक्सर जो बात किया करता हूं प्रेसिडेंट रेगन के हवाले से कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो हमें हर चीज़ जो है उसको वेरीफाई ज़रूर करना पड़ेगा। आप हमें अपनी आरा के मुतालिक लिखते रहा करें, मैं अक्सर ईमेल एड्रेस नहीं दे पाता हूं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिएगा ISRAR@PTV.com.PK इस पर आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं और अपने आरा जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा, मुझे इस राकस्तान को बुध के रोज़ तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।